हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट, जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के न्यू एलिजिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। आप सभी को बता दें, यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एलिजिबिलिटी थी उसमें देखा जाए न्यू अपडेशन किया है। जैसे कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीजी के साथ आपको नेट होना आवश्यक होता था, या पीजी के साथ आपको पीएचडी होना आवश्यक होता था, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे। लेकिन न्यू एलिजिबिलिटी ऐड हुआ है यूजीसी के द्वारा कि अब और केवल देखा जाए, अगर आप 4 वर्षीय यूजी कोर्स कंप्लीट करते हैं, स्नातक कोर्स कंप्लीट करते हैं और आप नेट क्वालिफाई हो जाते हैं या पीएचडी कर लेते हैं, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। हाल ही में देखा जाए तो यूजी वालों के लिए जो 4 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं, और चाहे अंतिम वर्ष में हो और चाहे अंतिम सेमेस्टर में हो, वो लोग नेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और जेआरएफ के लिए भी वो पात्र होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वो पात्र होंगे और साथ में पीएचडी के लिए भी पात्र होंगे। यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो पात्रता था उसमें देखा जाए एक नई चीज़ें यहाँ पर ऐड होके निकल रही हैं, वो है कि आप स्नातक होके भी असिस्टेंट प्रोफेसर अब बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। तो जो भी लोग देखा जाए वीडियो के माध्यम से ये चीज़ें आपके पास पहुंच रहा है, वो अवेयर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी देखा जाए 12 क्वालिफाई कर रहे हैं, कि 4 वर्षीय आप यूजी कोर्स में ज्वाइन होके अपना देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता कम समय में पूरा कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।